वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिक्स लेक्चर स्टीरियोकेमिस्ट्री का, जिसमें आज आपको सीखना है मेजो कंपाउंड क्या होता है, एंड देन उसके बाद सीखना है कि सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे आती है किसी कंपाउंड में, एंड देन लास्ट में सीखोगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री सिमेट्री। ठीक है, तो आज तीन चीज़ें पढ़नी है, तीनों सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे, मेजो कंपाउंड, सेंटर ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में कल मैंने आपको पूरा डिटेल दे दिया था, आप सभी ने उम्मीद है कर ली भी लिया होगा और मोस्ट ऑफ द पीपल को समझ भी आया होगा। तो जिन लोगों को समझ में नहीं आया था वो फिर से वीडियो जाकर देखिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो फिर से वीडियो को पूरा देखिए स्टीरियोकेमिस्ट्री का। पुराने बच्चे सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को तुरंत लाइक कर दो ताकि आगे बीच में मुझे कहना ना पड़े। सो लेट्स प्रोसीड विद द मीजो कंपाउंड। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मीजो कंपाउंड। नाम से ही लग रहा है मीजो मतलब बीच में, है ना, कोई ऐसे कंपाउंड जो कुछ बीच से जिनकी कहानी हो। मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं आज हम लोग पूरा जानने वाले हैं, और इनको कंप्लीट करेंगे तो आपके पास एक बड़ा ही सॉलिड क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, क्योंकि आता है राइट नोट्स ऑन मीजो कंपाउंड्स। ठीक है, मीजो कंपाउंड पर नोट्स लिखने को आते हैं, कभी कभी मीजो कंपाउंड से अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आए हैं, पहचानो कौन सा कायरल है कौन सा एकायरल है। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं मीजो कंपाउंड होता क्या है, ठीक है ना। अगर हमें ये पता चल जाए कि मीजो कंपाउंड होता क्या है देन आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, देखो मीजो कंपाउंड, मीजो का मतलब बिटवीन, इन बिटवीन। जब किसी मॉलिक्यूल के बीचों बीच प्लेन ऑफ सिमेट्री गुजर जाती है तो मॉलिक्यूल दो बराबर भागों में कट जाता है, ऐसे बीच से कटने वाले कंपाउंड मीजो कंपाउंड कहलाते हैं। बट उसके लिए एक मिनिमम कंडीशन है, उस मॉलिक्यूल के पास मिनिमम दो कायरल सेंटर हों। ठीक है ना, तो अगर कोई मॉलिक्यूल जिसके पास मिनिमम दो कायरल सेंटर हों और उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो वो मॉलिक्यूल कहलाता है मीजो कंपाउंड। ठीक है, तो कोई ऐसा कंपाउंड जिसके पास मिनिमम टू कायरल सेंटर हो और वो प्लेन ऑफ सिमेट्री रखता हो, ऐसे सभी सिस्टम को हम लोग मीजो कंपाउंड कहते हैं, ऐसे सभी कंपाउंड को मीजो कंपाउंड कहा जाता है। तो दोज कंपाउंड्स हैविंग मिनिमम टू कायरल कार्बन, दोज मॉलिक्यूल्स हैविंग मिनिमम टू कायरल कार्बन, कम से कम दो कायरल कार्बन होना ही चाहिए, ठीक है, मिनिमम टू कायरल कार्बन एंड हैविंग सेंटर ऑफ सिमेट्री, और उसके पास क्या हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री, सच मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड मीजो कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड को हम लोग मीजो कंपाउंड कहते हैं, सच मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड मीजो कंपाउंड। ठीक है, तो मीजो कंपाउंड सिंपली आपको समझ में आया क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनके बीचों बीच प्लेन गुजर जाता हो। ठीक है, ऐसे सभी कंपाउंड जिनके बीचों बीच प्लेन ऑफ सिमेट्री होकर गुजरती हो उनको हम लोग बोलते हैं मेजो कंपाउंड। कंडीशन है कि मिनिमम दो कायरल कार्बन होना चाहिए, अगर दो से कम कायरल कार्बन है तब उसमें नहीं होगा। ठीक है ना, तब उसमें बात हम नहीं कर सकते। तो अगर आप चाहते हो कि मेजो की बात करें, आप चाहते हो कि मेजो कंपाउंड क्या हो, देन आपको जरूर जानना पड़ेगा कायरल सेंटर होना चाहिए मिनिमम दो। एग्जाम्पल के तौर पर अभी बताऊंगा एग्जाम्पल, उसके पहले एक बात और समझ लीजिए, सभी मीजो कंपाउंड एक आयरल होते हैं, क्योंकि जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आनी है वो एक आयरल हो ही जाना है। तो सभी मीजो कंपाउंड क्या होते हैं, एक आयरल। सो मीजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, मीजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये बात दिमाग में रखिएगा। ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो जितने भी मीजो कंपाउंड है धरती पर सब क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, उनमें ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होता है। और तीसरी बात, ठीक है ना, ऐसे मॉलिक्यूल एक आयरल कहलाते हैं। ठीक है, मीजो कंपाउंड्स आर एक आयरल, ऑप्टिकल इनएक्टिव को एक आयरल एक ही बात है, तो मीजो कंपाउंड्स आर एक आयरल। तो अगर शॉर्ट नोट लिखने आएगा तो इतना लिखने के बाद आप इसमें एक जरूर एग्जाम्पल दीजिएगा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक एग्जाम्पल। ठीक है, तो मीजो कंपाउंड क्या होता है, एक आयरल होते हैं, ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं। अब आप सबने पढ़ा था मीजो टार्टरिक एसिड, है ना, टार्टरिक एसिड के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, आप सबने देखा है पीछे के एग्जाम्पल में, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री लगता है, इस मॉलिक्यूल में क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री लगता है। तो इसमें क्योंकि बीचों बीच प्लेन गुजर जाएगा, हम जब यहाँ से देखेंगे तो हमारा जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो देखो यहाँ से गुजरेगा, है ना, ये मॉलिक्यूल दो इक्वल भागों में कट जाएगा, यहाँ पे पी ओ एस है, इस जगह पे पी ओ एस है,
क्योंकि एक कार्बन सेंटर यहाँ है, दूसरा कार्बन सेंटर यहाँ है, तो इसको नाम है टार्टरिक एसिड। और क्योंकि बीचों बीच प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसलिए इसका नाम होता है मीजो टार्टरिक एसिड। ठीक है, मीजो टार्टरिक एसिड कहलाता है। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट हो और दो काइरल सेंटर भी रखता हो और ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाता हो, ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, मीजो कंपाउंड। बोलो समझ में आया सभी को, सभी लोगों को समझ में आया? जल्दी से इस वीडियो को बच्चों शेयर कर दो, कुछ बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप सभी लोग इसको शेयर कर दो ताकि बाकी बच्चे जो नहीं ज्वाइन किए वो भी ज्वाइन कर लें। आप सभी को समझ में आया पहले ये बताइए, मीजो कंपाउंड के बारे में आ गया? इट इज इजी है ना, एकदम मीजो कंपाउंड पहला था ये। दूसरा एग्जांपल भी मैंने दिया था, देखो ये भी कंपाउंड आप याद रखिएगा, ऐसे सभी कंपाउंड जिनमें मिनिमम दो कायरल सेंटर हो, ठीक है ना, मिनिमम दो, दो से अधिक भी हो सकता है, जरूरी नहीं केवल दो ही हो, है ना, दो से अधिक होगा, क्या ये मीजो कंपाउंड है क्या? जरा इसको देख के बताइए सभी लोग, तो क्या ये मीजो कंपाउंड है जो मैंने अभी अभी बनाया? दूसरा मॉलिक्यूल मीजो है कि नहीं है? ये जो सामने आपके आंखों के सामने दिखाई दे रहा है मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल मीजो है कि नहीं है, बस मुझे ये जानना है, ये सामने आपके आंखों के दिखाई दे रहा है मॉलिक्यूल मीजो है या नहीं है? बोले इज दिस मॉलिक्यूल इज मीजो और नॉट? वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी, आते जाओ, जुड़ते जाओ, पढ़ते जाओ, मस्त पढ़ो, एकदम अच्छे से एग्जाम्पल के जो बता रहे हैं उसके आंसर जरूर करो। ठीक है, इसके आंसर, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री देखो यहाँ से यहाँ रखा हुआ है ना, इसी को बीचों बीच काट देंगे दो इक्वल भाग में ये बट जाएगा, है ना, बीचों बीच काटेंगे तो दो इक्वल भागों में कट जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इस मॉलिक्यूल में क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ठीक है, दिस मॉलिक्यूल है प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये बीचों बीच पास हो गया, यहाँ से जो पास हो रहा है ये प्लेन क्या कहलाता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। सो दिस मॉलिक्यूल हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री, दिस मॉलिक्यूल है प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, इस मॉलिक्यूल के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मतलब ये कंपाउंड मीजो है। तो जिन जिन कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री गुजरेगी वो सब क्या कहलाएंगे, मीजो होंगे ही होंगे। ठीक है ना, सो ये भी मीजो ऑप्टिकल इनएक्टिव हो गया। अब एक स्टेटमेंट याद रखिएगा, नोट, ठीक है ना, नोट, जो मीजो कंपाउंड की ऑप्टिकल इनएक्टिविटी का मेन रीजन है वो है इंटरनल कंपनसेशन। ठीक है ना, इन मीजो कंपाउंड ऑप्टिकल इनएक्टिविटी इज ड्यू टू, इन मीजो कंपाउंड ऑप्टिकल इनएक्टिविटी इज ड्यू टू, एक्टिविटी इज ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। इस बात को याद रखिएगा, इंटरनल कंपनसेशन, ये क्या होता है अभी बताता हूं, इंटरनल कंपनसेशन, यही मेन वर्ड है जो आपको याद रखना है, दिस इज द इंटरनल कंपनसेशन। ठीक है, यह है आपका इंटरनल कंपनसेशन, क्यों याद रखना है ये जानने वाली बात है। कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में बैठोगे ना तो यही क्वेश्चन आएगा, मीजो कंपाउंड के ऑप्टिकल इनएक्टिविटी के पीछे का रीजन क्या है, तो वो रीजन इंटरनल कंपनसेशन। देखो इंटरनल कंपनसेशन का मीनिंग क्या होता है ये समझो, जैसे मान लो आप बाइक से जा रहे हो, ठीक है, आप बाइक से कहीं जा रहे हो, ठीक, और आपने यहाँ बाइक पर बैठे हुए, आपकी खोपड़ियाँ है, आप इस पर बैठे हुए हो, ठीक, गाड़ी चला रहे हो मस्त एकदम हैंडल पकड़ के, और आप जाके किसी दूसरे गाड़ी वाले को ठोक दिए, अब अगर किसी दूसरे गाड़ी वाले को आप लड़ा दोगे तो लड़ने में क्या दिक्कत होगी? अब जिसकी गाड़ी आप तोड़े हो, मान लो कोई साइकिल से जा रहा था, आपने उसकी साइकिलें तोड़ दी, तो अगर उसकी साइकिल टूट जाएगी बच्चों तो क्या करेगा वो, आपसे बोलेगा ना भैया इसको बनवाने का पैसा दीजिए, तो जब इसकी बाइक तोड़ दोगे तो कंपनसेशन मनी देते हो, और जो टूट गया उसको क्या करते हो, उसको बनाने के लिए एक पैसे देते हो कि जाओ भैया बना लेना, बस कुछ बवाल ना हो, पैसे दे खत्म करो, उसको हम बोलते हैं कंपनसेशन मनी। तो मैटर क्या है, इंटरनली सुलट गया, कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं पड़ता। सिमिलरली यहां होता है, हमने देखा कि मीजो कंपाउंड ऐसा है, एक पार्ट ऊपर है एक पार्ट नीचे है, आधा पार्ट, ठीक है ना, आधा पार्ट ऐसे है। इसमें क्या देखेंगे, जब प्लेन ऑफ सिमेट्री लगता है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से होता क्या है, ऊपर का जो आधा पार्ट है, ठीक है, ये क्लॉक वाइज रोटेट करता है, ठीक है, ये किधर जाता है, क्लॉक वाइज, और सिमिलरली जो आपका ये आधा पार्ट, रिमेनिंग आधा पार्ट है, ये एंटी क्लॉक वाइज जाता है, ये रोटेशन करता है एंटी क्लॉक वाइज। अब इससे क्या दिक्कत होता है, क्लॉक वाइज एक एंटी क्लॉक वाइज,
ये अगर थीटा मान लो, इसने थीटा को रोटेट किया क्लॉकवाइज प्लस 50 डिग्री, और इसने रोटेट कर दिया थीटा बराबर -50 डिग्री, रिजल्टेंट कितना आएगा? जितना वो आगे ले गया था उतना ये क्या कर देगा, पीछे कर देगा, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो आपको पता है जब थीटा बराबर जीरो हो जाएगा तो पीपीएल का रोटेशन नहीं हुआ है, पीपीएल रोटेट हुआ ही नहीं है, और जब पीपीएल रोटेट नहीं हुआ तो ऑप्टिकल एक्टिव होने का सवाल उठता है क्या? अगर पीपीएल रोटेशन नहीं हुआ तो क्या ऑप्टिकल एक्टिव होने का कोई सवाल उठता है? नहीं उठता है। मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि पीपीएल बराबर पीपीएल का थीटा क्या है, जीरो है। तो मैटर देखो, एक ही मॉलिक्यूल का आधा पार्ट क्लॉकवाइज आधा पार्ट एंटी क्लॉकवाइज, तो इंटरनली मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, एक कदम आगे बढ़ाता है, दूसरा एक कदम पीछे खींच लेता है, तो रिजल्टेंट हो जाता है जीरो। इसलिए इस मॉलिक्यूल में ऑप्टिकल इनएक्टिविटी होती है, इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी जीरो हो जाता है, क्योंकि इंटरनली ये क्या होगा, कंपनसेशन होगा। तो दिस मॉलिक्यूल इज काइरल। क्लियर है सभी को? यहां तक क्लियर हो गया? मेजो कंपाउंड क्लियर हो गया? मेजो कंपाउंड क्या होता है, ऑप्टिकल इनएक्टिव। बोलोगे क्या मेजो कंपाउंड क्या होता है, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें मिनिमम दो कायरल सेंटर हो और उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो, ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, मेजो कंपाउंड। मेजो कंपाउंड की ऑप्टिकल इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन की वजह से होती है। इंटरनल कंपनसेशन क्या होता है सर, तो उसी एक ही मॉलिक्यूल का आधा पार्ट क्लॉकवाइज रोटेट करता है, आधा पार्ट एंटी क्लॉकवाइज, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, मेजो कंपाउंड इज ऑप्टिकल इनएक्टिव। तो दिस इज अबाउट द मेजो कंपाउंड। अब हम लोग चलेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री में, ठीक है ना। वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सो फोकस ऑन द क्वेश्चन, बाकी सब चलता रहेगा। दूसरा पार्ट है हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना। अभी आपने पढ़ा था प्लेन ऑफ सिमेट्री, और प्लेन ऑफ सिमेट्री से मेजो कंपाउंड मिला। अब हम लोग पढ़ेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। इसको हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलेंगे, COS, सेंटर ऑफ सिमेट्री बोले तो COS, सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब जरा इसको अच्छे समझिएगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री को बहुत अच्छे समझिएगा। आप जिस कमरे में बैठे हो, ठीक है, इमेजिन करो जिस कमरे में बैठे हो, उस कमरे के एकदम बीचों बीच का पॉइंट इमेजिन करिए, जो है एकदम सेंटर में, ऊपर नीचे दाएं बाएं सबसे बराबर, इस कमरे का जो सबसे सेंटर वाला पॉइंट है, बीच वाला पॉइंट, ठीक। जैसे मान लो हमने एक सेंटर लिया, मान लिया आपके कमरे में ये वाला पॉइंट है, ये इसको आपने सेंटर मान लिया ना। बस आप देखो, आप जिस कमरे में बैठे हो उसको देखो, ठीक। छत पे बैठे होगे तो नहीं दिखेगा। बीच में से जितना ऊपर जितना लंबा लाइन खींचो, उतना ही लंबा लाइन नीचे खींचो, ठीक है। जितना लंबा लाइन लेफ्ट में खींचो, उतना ही लंबा लाइन राइट में खींचो। जितना लंबा लाइन आप इधर डायगोनल इधर खींचोगे, उतना ही इधर खींचो। सेम जितना इधर खींचो, उतना ही इधर खींचो। ध्यान देना एकदम अच्छे से, दोनों जो अपोजिट लाइन है, दोनों के लेंथ इक्वल होने चाहिए, ठीक है ना। तो जब हम इक्वल लेंथ का, जो लेंथ इसका है वही लेंथ इसका होना चाहिए। अगर लेंथ चेंज हुआ तो सेंटर ऑफ सिमेट्री कभी बात नहीं करेंगे। तो जब किसी पॉइंट से या किसी सेंटर से, मॉलिक्यूल के किसी पॉइंट या मॉलिक्यूल के किसी सेंटर से इक्वल लेंथ का लाइन, ठीक है ना, आपके कमरा बीचों बीच है, इक्वल लेंथ का लाइन जितना ऊपर खींचो उतना ही आप नीचे भी खींचो, और दोनों इक्वल लेंथ जो हो, ऊपर जिस एटम से मैच करें वही एटम नीचे होना चाहिए, ठीक है ना। इक्वल लेंथ का लाइन अपोजिट डायरेक्शन में, एक ऊपर और एक नीचे, डायरेक्शन अपोजिट हो गया। तो जब इक्वल लेंथ का लाइन अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ करते हैं एकदम सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल से, और वो दोनों लाइन एक ही एटम को टच करते हो, आइडेंटिकल एटम को टच करते हो, तो जो सेंटर है, जो पॉइंट है, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। दैट सेंटर या दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो डेफिनेशन यही है कि जब इक्वल लेंथ का लाइन अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ करते हैं किसी पॉइंट या किसी सेंटर से, तो उसको कहा जाता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। कब? जब दोनों लाइनें सेम एटम को टच करें। अगर अलग अलग एटम को टच करेंगे तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी। बात समझ में आ गया? तो सेंटर ऑफ सिमेट्री इज नथिंग, इट इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर इफ वी ड्रॉ ए लाइन ऑफ इक्वल लेंथ इन अपोजिट डायरेक्शन एंड दैट इज मीटेड विद द सेम एटम या सेम ग्रुप, देन दैट सेंटर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सिमेट्री। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, हमने आपको एक एग्जाम्पल ये दिया, हमने आपको एक एग्जाम्पल ये बना दिया, ध्यान से देखिए, ये रहा।
अब हमने क्या किया, यहाँ पे ग्रुप लगाया Cl और यहाँ पे ग्रुप लगाया Cl, यहाँ पे H और यहाँ पे H। अब देखो भैया ये मॉलिक्यूल का सेंटर यहीं कहीं होगा, हम क्या करना है, इस सेंटर से इधर लाइन खींचिए, तो जो कार्बन ये है यहाँ से वही लाइन इधर क्लिक करिए, सेम मिलेगा इस पॉइंट से। इस पॉइंट से ऊपर जाने पर जो मिला वही नीचे मिलेगा। इस पॉइंट से इधर आने पर Cl मिला, नीचे जाने पर भी क्या मिलेगा Cl। इस पॉइंट से इधर जाने पे H मिलेगा और नीचे जाने पे भी क्या मिलेगा H। तो देखो इस पॉइंट से हम जिधर भी गए लाइन खींच के अपोजिट डायरेक्शन में, हर एटम क्या थे सेम, Cl Cl से मिला, H H से मिला, ये ग्रुप CH2 CH2 से मैच करता है, टर्सरी कार्बन टर्सरी कार्बन से मैच करता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पॉइंट है जो सेंटर है इसी का नाम है सेंटर ऑफ सिमेट्री, है ना। वही पॉइंट क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है, दिखाई दिया, ये पहला हो गया। और भी एग्जांपल डेफिनेशन लिखवाता हूं, पहले इसको समझ लीजिए आप लोग, ठीक है, समझ लीजिए फिर अपने आप आ जाएगा। एक और मॉलिक्यूल में दे रहा हूं, आप लोग देख के बताइए क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो सकता है क्या, सभी लोग देखो इसको और बताओ क्या इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। जस्ट सी, ये एक हमारा मॉलिक्यूल हो गया, यहां हम लगाएंगे C OH और यहां लगाएंगे CH3, सिमिलरली यहां लगाएंगे C OH और यहां लगाएंगे CH3। तो जरा देखो बच्चों क्या इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री आ सकता है, क्या इस मॉलिक्यूल में आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री के चांसेस है। आप लाइन खींचो ना, आप क्या कर लो, सेंटर मान लो, हम इसको मान लेते हैं बीचों बीच, इधर ही कहीं होगा, इधर ही कहीं होगा, हम यहां से पहला लाइन इधर क्लिक करेंगे ये, तो जो कार्बन इधर है आप यहां से लाइन ये क्लिक करो, यही कार्बन इधर भी है, इस सेंटर से इधर के दोनों एटम सेम हो गए। अब जरा डायगोनल पे जाएंगे तो जहां पे नाइट्रोजन जितनी दूरी पे मिलेगा नीचे उतनी ही दूरी पे नाइट्रोजन भी मिला, ऊपर जितनी दूरी पे CO मिला इधर नीचे उतनी ही दूरी पे CO भी मिला, इधर नीचे जितनी दूरी पे CH3 मिला इधर उतनी ही दूरी पे CH3 मिला, इधर जितनी दूरी पे COOH मिला इधर उतनी ही दूरी पे COOH मिला। मतलब इस पॉइंट से किधर भी गए एटम आइडेंटिकल थे, है ना, इधर जिधर भी गए एटम क्या मिल गए, आइडेंटिकल मिल गए। और जब एटम आइडेंटिकल मिलेंगे तो मॉलिक्यूल में क्या होगा, COS प्रेजेंट, है ना, COS क्या होगा, प्रेजेंट। बोलो दिखाई दिया, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हुआ कि नहीं हुआ। तो हमें करना क्या, यहाँ का डिफिनेशन क्या है, जब हम किसी पॉइंट से या किसी सेंटर से इक्वल लेंथ का लाइन अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ करते हैं और वो एटम क्या हो, सेम आइडेंटिकल एटम से मैच कर जाए, तो उसी को हम लोग बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं ना सेंटर ऑफ सिमेट्री, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्लियर है सभी को, तो डेफिनेशन लिखना पड़ेगा कि समझ जाओगे, डेफिनेशन लिखना पड़ेगा क्या, डेफिनेशन ये है, व्हेन ए लाइन ऑफ इक्वल लेंथ इज ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट और सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल इन अपोजिट डायरेक्शन विच टचेज सेम एटम इन बोथ डायरेक्शन, देन सच पॉइंट इज कॉल्ड या सच सेंटर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सिमेट्री, दैट इज ऑल। डेफिनेशन आ गया सभी को, जब किसी पॉइंट से हम इक्वल लेंथ का लाइन अपोजिट डायरेक्शन में खींचते हैं और वो दोनों लाइन सेम एटम को टच करें, आइडेंटिकल एटम से मैच कर जाएं, तो उस मॉलिक्यूल को बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। इज इट क्लियर टू ऑल। अब आपको एक चीज ध्यान रखना है, जिन मॉलिक्यूल में COS प्रेजेंट होगा वो मॉलिक्यूल हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, एक आयरल होते हैं। अगर किसी मॉलिक्यूल में आपका ये प्रेजेंट है तो एक आयरल होगा, ठीक है। सो मॉलिक्यूल हैविंग COS, मॉलिक्यूल हैविंग COS COS आर एक आयरल, वो सब क्या होते हैं, एक आयरल मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ऐसे सभी मॉलिक्यूल जिनमें आपको दिखाई देगा या आपको सुनाई देगा कि भैया COS प्रेजेंट है, आप आंख मूंद के वरना सर वो ऑप्टिकल इनएक्टिव है, कुछ नहीं सोचना है, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ठीक है, सिस मॉलिक्यूल में कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकता, सिस मॉलिक्यूल डोंट हैव सेंटर ऑफ सिमेट्री। पूछो क्यों, कोई बता सकता है, डोंट हैव COS, सिस मॉलिक्यूल में कभी COS हो ही नहीं सकता। उसका रीजन ये है क्योंकि लाइन हम अपोजिट डायरेक्शन में खींचते हैं और सिस मॉलिक्यूल सेम डायरेक्शन में होते हैं,
तो आप जो लाइन खींचोगे अपोजिट में सेम ग्रुप कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि अपन लोग को क्या पता है, अपन लोग को ये पता है कि लाइन अपोजिट होना चाहिए। तो ट्रांस में ग्रुप भी अपोजिट होते हैं इसलिए मैच कर जाता है, बट सिस में ग्रुप भी सेम साइड होंगे तो सीएस कभी नहीं मिलेगा। एक एग्जांपल से समझिए, है ना, एक एग्जांपल से समझिए। ये मॉलिक्यूल मैंने बना दिया सिस, सिस में सेम ग्रुप क्या होते हैं, सेम साइड, है ना। अब बताइए सिस मॉलिक्यूल है, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सॉरी सेंटर ऑफ सिमेट्री है, क्या इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री है। और दूसरा बनाएंगे ट्रांस, ट्रांस में सेम ग्रुप अपोजिट साइड होते हैं, है ना। तो ऊपर CH3 नीचे CH3, ऊपर H यहाँ पे नीचे H, ये मॉलिक्यूल ट्रांस है ना, और ये मॉलिक्यूल सिस है। तो सिस में नहीं होगा क्योंकि जब लाइन खींचोगे तो यहाँ से यहाँ तो अलग मिलेगा बट हाइड्रोजन मिल जाएगा, यहाँ से मेथिल मिलेगा नीचे हाइड्रोजन मिल जाएगा, तो इसमें नहीं है। POS क्या हो जाएगा, सॉरी COS पढ़ा रहे हैं, यहाँ COS क्या होगा बच्चों, अब्सेंट, COS अब्सेंट। इसमें क्या होगा, COS प्रेजेंट, COS प्रेजेंट। देखो यहाँ पे खींचोगे तो ये मैच करेगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन को, ये मेथाइल मेथाइल को। तो सिस मॉलिक्यूल में कभी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती, है ना, सिस मॉलिक्यूल में कभी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती है। आया सभी को समझ में, यहां तक क्लियर हुआ सभी बच्चों लोग, देख के बताओ जल्दी से। ट्रांस है तो ट्रांस में सेंटर ऑफ सिमेट्री है। आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते, अच्छे बच्चे नहीं हो, बक बेकार बच्चे। अब एक पॉइंट और बताओ, क्या जरूरी है कि जिसमें COS हो उसमें POS हो, है ना। कभी कभी देखोगे कि जिसमें COS नहीं होता उसमें POS होता है, और जिसमें POS नहीं होता उसमें COS होता है। जरा ये बताइए मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव है कि इनएक्टिव, पहला वाला। COS तो ऑब्सेंट है, ये पहला मॉलिक्यूल काइरल है कि ए काइरल है, आप सभी लोग बताओ। जो पहला स्ट्रक्चर बनाया है वो काइरल है कि ए काइरल है, मेरे को बस इतना जानना है। द फर्स्ट मॉलिक्यूल विच इज रिटन हियर इज काइरल और ए काइरल। COS उसमें अब्सेंट है वालों को, COS उसमें नहीं है, मैं आपको जानना चाहता हूँ काइरल कि ए काइरल, बस। देखो ना लाइक करे हैं, कैसे लाइक किए हो, लाइव तो 42 हो और लाइक केवल 30 का है। कुछ लोगों को लग रहा है लाइक करने आता ही नहीं है, किसको किसको नहीं आता, कैसे लाइक किया जाता है, कैसे सब्सक्राइब किया जाता है। इसमें से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो चैनल देख तो रहे बट सब्सक्राइब नहीं किया, पता लगा के देखो बहुत लोग नहीं किया, कौन कौन नहीं किया जरा जरा बताओ। कभी कभी होता है कुछ बच्चों को पता नहीं होता तो लाइक कैसे किया जाता है। चलो भाई लोग जल्दी से बताओ, तो मेरे को जानना है कायरल के कायरल, ए कायरल का रीजन भी दीजिए। मानसी ए कायरल का रीजन दो, सुरेंद्र मौर्य ए कायरल का रीजन दो। मुझे पता सुरेंद्र मौर्य नहीं हो तुम, या तो अनामिका हो गया तो कोई और को लड़की, मुझे नहीं पता कौन हो तो बेबा। यस मुस्कान, POS प्रेजेंट है, कायरल नहीं है। अरे भाई साहब COS नहीं है तो क्या हुआ, POS तो है, एक भाई नहीं है दूसरा भाई तो है, COS ना सही POS तो है। यहाँ देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना, तो अगर मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो काइरल वो नहीं रहेगा, ये कट गया बीचों बीच, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होने से भी एक काइरल रहेगा, तो मॉलिक्यूल काइरल तो नहीं है, एक काइरल है, बिकॉज एक नहीं है बट एक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, कोई एक भी हुआ तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। यस POS प्रेजेंट, समझ गए सभी लोग। तो अब देखो एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, ठीक है, एक स्टेटमेंट, एक वर्ड है डिससिमेट्री, ठीक है, वर्ड का नाम है डिससिमेट्रिक, ठीक है। ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें ना तो POS हो और ना ही COS हो बट एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है, ठीक है, दोज मॉलिक्यूल हैविंग नाइदर POS नॉर COS, ठीक है, उसको डिससिमेट्री बोलते हैं। दोज मॉलिक्यूल हैविंग नाइदर COS नॉर POS, ना तो COS होगा ना तो POS होगा, ऐसे मॉलिक्यूल को डिससिमेट्रिक बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे मॉलिक्यूल में COS भी क्या होता है, अब्सेंट होता है, और POS भी क्या होता है, अब्सेंट होता है। तो जिन मॉलिक्यूल में दोनों अब्सेंट होंगे वो मॉलिक्यूल होगा काइरल, बट अगर इनमें से कोई एक भी प्रेजेंट हुआ तो मॉलिक्यूल हो जाएगा एकाइरल,
एओएस प्रेजेंट होता है इसमें, एओएस एक्सेस ऑफ सिमेट्री भी पढ़ाऊंगा वो प्रेजेंट होता है, बट इससे कायरलिटी पे फर्क नहीं पड़ता। जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो मॉलिक्यूल की कायरलिटी को अफेक्ट नहीं करता है, इसीलिए एओएस प्रेजेंट होते हुए भी डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स आर कायरल। ये सब क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ये बात याद रखिएगा, दे आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, सच मॉलिक्यूल्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। तो डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑब्सेंट होता है, बट वो मॉलिक्यूल क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो जिन मॉलिक्यूल में एओएस प्रेजेंट होगा और सीओएस और ये दोनों ऑब्सेंट होंगे, तब भी मॉलिक्यूल हमारा क्या होगा? काइरल होगा। बस इतनी बात आप सभी को अच्छे से याद रखने की सख्त जरूरत है। तो डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल सबको समझ में आ गया? व्हाट इज डिससिमेट्री? डिससिमेट्री ऐसे मॉलिक्यूल होता है जिनमें सीओएस और पीओएस क्या होता है? ऑब्सेंट होता है। ऐसे मॉलिक्यूल हमेशा क्या होंगे? काइरल। बट अगर किसी मॉलिक्यूल में सीओएस और पीओएस कोई एक भी हुआ, दोनों हुए तो कभी नहीं होगा, एक भी हुआ तब भी कभी नहीं होगा, तो वो मॉलिक्यूल हमेशा क्या होते हैं? एकाइरल हो जाते हैं। चलो बच्चा लोग बताओ कितने लोगों को समझ में आ गया? चलो हैंड रेस करो। तो सभी लोग जल्दी से बताओ, जिसको समझ में आ गया हैंड रेस करो, आगे चला जाए। ठीक है ना, आगे चलने की बारी आ गई है। आखिरी बचा है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, थोड़ा सा वो उसमें ज्यादा नहीं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री थोड़ा सा है, पढ़ा के अभी उसको भी कंप्लीट कर ही देते हैं। आगे समझ में? छुट्टियां होने वाली कॉलेजों में ना, संडे से संडे छुट्टी होने वाली है, एक हफ्ते की छुट्टियां होंगी, उसमें जम के पढ़ना है, पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है ना, और जो जीओसी का लेक्चर है जाके देखना, नीट वाले सेक्शन में जीओसी का लेक्चर है, सभी लोग जीओसी के एक एक लेक्चर लेक्चर वाइज पढ़ना शुरू कर लो। और यूनिट जो आपका फोर्थ है वो पूरा जीओसी ही है, वो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तो उसका हमें जरूरत नहीं पड़ेगा पढ़ाने का। तो सभी लोग जब छुट्टियां होंगी तो एक एक लेक्चर वहां से पढ़ के कंप्लीट करना पहले ही। ये पूरे दशहरे की छुट्टी में जीओसी कंप्लीट हो जाना चाहिए। आज 24वां लेक्चर पढ़ाया हूँ, उसमें करीब 30 लेक्चर बनेंगे। ठीक है, तो सभी लोग उसको कंप्लीट करोगे। गुड, सो अब पढ़ेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री। नाउ एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है? चलो जरा देखो। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये खास है कुछ मायनों में, थोड़ा सा इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। और क्योंकि भगवान ने हम लोगों को 1450 सीसी का दिमाग दिया है, कम तो ऐसे भी नहीं है, ज्यादा ही है, आज लगाया भी थोड़ा ज्यादा ही जाएगा। ठीक है, जितना है उतना पूरा लगा देंगे। ठीक, सभी लोग तैयार हो लगाने के लिए? आईटी जैम अगर इसके बाहर आएगा तो बताना, आईटी जैम के लिए पढ़ा रहा हूं, अगर इसके बाहर आएगा तो मेरे को बताना। ठीक है ना, 80% से ज्यादा आपका ये कवर कर लेगा। अगर आईटी जैम आप बैठ रहे हो तो 80%, 20% थोड़ा अलग होता है, तो अगर आप 80% कर लेते हो ना, तो आईटी बॉम्बे जाने के लिए आपको वो 60 ही नंबर चाहिए होता है 100 में से, 60 से 65 में आपका हो जाएगा। तो आप क्यों पढ़ रहे हो 100% के चक्कर में? आप पहले 60% तो कवर करो ना। जीओसी का पीडीएफ नहीं मिलेगा, ये दुख की बात है, आपको उसके नोट्स बनाने पड़ेंगे प्रॉपर। नहीं, छुट्टियों में कोई क्लास, मैं अपनी क्लास, ये लाइव वाली क्लास चलेगी, बाकी सब बंद रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सबसे पहले समझो एक्सिस ऑफ सिमेट्री। शुरू करने से पहले आपको दो बातें जाननी जरूरी है। ठीक है, इसमें जब हम मॉलिक्यूल को किसी एक्सिस से रोटेट करेंगे तो प्लेन चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल को रोटेट करो सेम प्लेन पे, ठीक है, अलोंग एनी एक्सिस। ठीक है, और वो मॉलिक्यूल आइडेंटिकल स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करे तो मॉलिक्यूल में एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है ना, तो चलो देखो एक वन बाय वन। सबसे पहले हम एक एग्जांपल देते हैं। व्हेन ए मॉलिक्यूल इज रोटेटेड एट थीटा एंगल From any axis, axis कोई भी हो सकता है, but on the same plane, plane नहीं बदलना चाहिए, but on the same plane, which will produce identical structure,
विच विल प्रोड्यूस आइडेंटिकल स्ट्रक्चर। ठीक, अगर वो आइडेंटिकल स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करेगा, देन मॉलिक्यूल हैव एओएस, देन मॉलिक्यूल हैव एक्सिस ऑफ सिमेट्री, उस मॉलिक्यूल में एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी। ध्यान रखिएगा स्टेटमेंट में क्या है, आप एक्सिस चाहे कोई भी ले लो, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में से कोई भी एक्सिस उठा सकते हो, बट याद रहे प्लेन नहीं बदलना चाहिए, जो प्लेन था उसी प्लेन पे मॉलिक्यूल होना चाहिए। अगर प्लेन बदल गया तो फिर वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री का पार्ट नहीं रहेगा। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री के लिए प्लेन सेम होना चाहिए, एक्सिस कोई भी लो। एग्जाम्पल देखो, मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूं, आसान एग्जाम्पल समझना बहुत आसान है। पहले देखो, पानी मॉलिक्यूल के बारे में आप सब जानते होगा, वाटर, वाटर वी शेप होता है, ये आपका वाटर है, ठीक है। इस वी शेप को हम लोग क्या करेंगे, ऐसे अगर आप पेपर पर रखोगे तो पेपर पर आपके रखा जाएगा, ऐसे वी बना के रख लो। अगर बेटा उसको 180 पे घुमाए, जैसे मान लो हमने पानी रख दिया, ऐसे मान लो हमारे दो उंगली दिख रहा है ना, ये उंगली, ये दोनों H2 मॉलिक्यूल है और हमारा हाथ ऑक्सीजन है, इसको हमने ऐसे प्लेन पर रखा, ठीक। अगर इसको 90 डिग्री घुमाओगे तो प्लेन देखो ऐसे वर्टिकल हो जाएगा, अभी हॉरिजॉन्टल पर रखा है, ऐसे आप इसको 90 डिग्री घुमाए तो क्या हो जाएगा, ये प्लेन छोड़ देगा। तो 90 डिग्री पे तो नहीं घुमा सकते हो, घुमाना है तो 180 पे घुमा, पहले ऐसे था अब पलट के ऐसे हो जाएगा, बट रहेगा उसी प्लेन पे। तो हम क्या करेंगे, यहां पे इस ऑक्सीजन को नंबरिंग कर देंगे, इसको मान लेंगे 1, इसको मान लेंगे 2, और इसको रोटेट करते हैं इस एक्सिस से, है ना, इस एक्सिस से 180 डिग्री पे घुमा दो। तो जैसे ही यहां से 180 पे घुमाएंगे, ध्यान से देखिएगा, हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल है वो ऐसे हो जाएगा, हमारा वाटर मॉलिक्यूल में H1 कहां आ जाएगा, इधर, और H2 कहां चला जाएगा, इधर, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, एक बार और इसको 180 पे घुमाएंगे, ठीक, 180 पे एक बार और घुमा दो। अब जैसे ही 180 पे दोबारा घुमाओगे, ये फिर से शुरुआत वाला स्ट्रक्चर गेन कर लेगा, देखिए जो पहले था वही हो गया कि नहीं हो गया। तो जब हम इस मॉलिक्यूल को दो बार 180 पे घुमाते हैं तो आइडेंटिकल स्ट्रक्चर प्रोड्यूस कर देता है ना, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर प्रोड्यूस कर देता है। तो जैसे ही आइडेंटिकल स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करेगा, इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ गई, तो थीटा बराबर एन बराबर होता है 360 अपॉन थीटा, ठीक है, जहां पर एन की वैल्यू हो सकती है 2, 3, 4, 5, 6, कुछ भी हो सकती है। और इसको हम लिखते हैं सीएन सिमेट्री, इसको लिखा जाता है सीएन सिमेट्री, इसमें जो भी सिमेट्री लिखा जाता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री को सीएन से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां एन की वैल्यू यहां से आएगी और एन यहां से आएगा थीटा, थीटा कितना है 180 है। देखो इस मॉलिक्यूल पे कितना घुमाए, 180 पे, तो 180 पे घुमाने का मतलब यह हुआ कि वाटर मॉलिक्यूल में C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि यहां थीटा बराबर 180 रखो, तो 180 रखोगे तो एन की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आ जाएगी, और 2 आ जाएगी तो सी एन की वैल्यू यहां रख दो, C2 हो जाएगा, तो C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। मतलब अगर वाटर मॉलिक्यूल को दो बार 180 पे घुमा दें तो ओरिजिनल स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो दो बार में आया इसलिए उसको C2 बोलते हैं, दो बार में आया इसलिए क्या बोलते हैं, इसको C2 बोलते हैं। देखो बच्चों समझ में आया आपको ये बात, देखो अच्छे समझ में, पहले बताओ समझ में आया कि नहीं आया, 180 पे दो बार घुमाया आइडेंटिकल स्ट्रक्चर पाया है ना, तो दो बार मतलब टू टाइम मतलब C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। सभी लोग चैनल सब्सक्राइब कर लो जो नहीं किए हो, जल्दी से करो, नए बच्चे जो आज ज्वाइन किए हैं या अभी नहीं ज्वाइन किए थे उन सभी को जल्दी से ज्वाइन करने के लिए प्रेरित कर दिया जाए, क्योंकि उन सबको बहुत काम आने वाला चैनल है ना। इज इट क्लियर टू ऑल, ये समझ में आया सभी को, है ना, मस्त है ना। अब एग्जांपल और कराते, ये तो पहला था, पहला पानी था, अभी पानी पानी हो जाएगा है ना। देखो इधर देखो, BF3 मॉलिक्यूल के बारे में सबको पता है, जो हमारा BF3 मॉलिक्यूल होता है वो ये होता है, देखो F F और ये F, इसको जरा हम लोग लेबलिंग कर लेते हैं ना बच्चों। लेबलिंग कैसे करते हैं, इसको मान लेते हैं ये 1 मान लेते हैं, फ्लोरीन 1, इसको 2 और इसको 3 मान लेते हैं, ठीक। दो फ्लोरीन के बीच का एंगल है 120 है ना, दो फ्लोरीन के बीच का एंगल कितना 120। और अगर हम देखें यहां पे तो इसमें आपके C2 एक्सिस और C3 एक्सिस दोनों प्रेजेंट है, इसमें C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी है, ठीक है, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी है और C3 एक्सिस भी है। अभी आपको दिखाता हूं दोनों, क्या किसको किसको दिख गया कि हां सर दोनों दिखाई दे रहा है, C2 के अलावा C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी है, कितने लोगों को दोनों दिख रहा है,
कितने लोगों को दोनों दिख रहा है, कितने लोगों को एक दिख रहा है, पहले मेरे को ये जानना है दोनों किसको किसको दिख रहा है। जिसको दोनों दिख रहा होगा वो बहुत अच्छे बच्चे हैं, जिसको एक दिख रहा होगा और अच्छे बच्चे हैं, उनको थोड़ा सा और मेहनत करना है बस। किसको किसको दोनों दिख रहा है, किसको किसको एक दिख रहा है? पीयर, ओके, एनेंसियमर कहते हैं, पता नहीं तुम क्या बोले, मेरे समझ नहीं आया। ठीक, मैं बताऊं? अगर आप बता रहे हो तो ठीक, नहीं तो मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है ना, देखो ये आपका बी एफ थ्री मॉलिक्यूलर ट्राइंगल है ना, ये ट्राइंगल बना देख लो ऐसे, ट्राइंगल ट्राइंगल, ठीक ना। ये ब्लैक में ढक्कन नहीं है, इस ब्लैक में ढक्कन है, ये आपका व्हाइट कलर का है, ब्राउन कलर का है, ठीक है। अब देखो कैसे इसमें दोनों है। अगर हम यहां से इस ढक्कन से पकड़े, ध्यान से देखना, अगर हम इस ढक्कन से पकड़े, वन मिनट, जस्ट वन मिनट, अगर हम इस ढक्कन से पकड़े बच्चों यहां से, और इसको मान लो एफ थ्री है और ये मान लो हमारा एफ टू है, एफ वन से पकड़े, इसको 180 पे पहली बार घुमाओ, तो 180 पे घुमाओगे तो क्या होगा, ये तो यही रहेगा, ये इधर से इधर, ये इधर से इधर आ जाएगा। फिर दोबारा 180 पे घुमाओ तो आइडेंटिकल आ जाएगा। इसको एक बार घुमाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, फिर दोबारा घुमाएंगे तो फिर से क्या होगा, ऐसे सीधा आ जाएगा। मतलब इस मॉलिक्यूल को पकड़ना है ऐसे, और ऊपर से इस मुंडी को पकड़ के घुमा दो पहली बार में, ऐसे होगा, फिर दूसरी बार फिर घुमाओगे तो फर्दर क्या होगा, 180 पे आ जाएगा, है ना। तो 180 पे दो बार घुमाने में, यहां से अगर हम यहां से पकड़ के 180 पे घुमा दे दो बार, तो हमारा आइडेंटिकल स्ट्रक्चर आएगा कि नहीं आएगा, है ना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बात? अगर इस मॉलिक्यूल के यहां से पकड़ के हम क्या कर दें, 180 पे घुमा दे, तो C2 आएगा कि नहीं आएगा? पहले C2 क्लियर हुआ? यहीं से पकड़ के ऐसे घुमा दिया तो ये इधर और ये इधर, फिर एक बार घुमाया तो इधर और ये इधर आ जाएगा, तो C2 आ जाएगा। ट्राइगोनल तो बना ही, अभी बताऊंगा। उसके बाद इसको 120 पे घुमाओ, यहां से इसको यहां लाओ 120, ये यहां से यहां चला जाएगा और ये यहां से यहां जाएगा। तो ये हम तीन बार करेंगे तब आइडेंटिकल आएगा। यहां अब आ जाएगा F3, यहां आ जाएगा F2, यहां आ जाएगा F1। ये 120 पे घुमा क्योंकि इसके बीच का एंगल 120 है। फिर इसको 120 पे घुमा दिया जाए, है ना, 120 पे फर्दर घुमा दिया जाए। तो इस बार जब 120 पे घुमाएंगे तो यहां आ जाएगा F2, यहां आ जाएगा F3 और यहां आ जाएगा F1। फिर से 120 पे घुमा दिया एंड फर्दर 120 पे घुमा दिया जाए, तो जहां से चले थे वापस वहीं को आ गए, F3 और F2। तो देखो हमने 120 पर रोटेट किया और आइडेंटिकल स्ट्रक्चर आ गया। तो हम अगर n की वैल्यू निकाले, n बराबर 360/120, तो आपको क्या मिलेगा, n की वैल्यू 3, तो C3 एक्सिस मिल जाएगा, C3 एक्सिस मिल जाएगा। मेरे साइड से तो नेटवर्क चल रहा है, C3 एक्सिस मिला, देखो सभी लोग, तो C3, C2 ऐसे मिल गया था, C3 यहां से मिला, क्लियर है कि नहीं है। n बराबर 3 भी आ रहा है, n बराबर 2 भी आएगा, 2 3 दोनों है, बट जो मेजर होता है, जो वैल्यू ज्यादा होती है वही माना जाता है। तो इसमें C3 माना जाएगा मेजर एक्सिस और जो C2 है उसको माना जाएगा माइनर एक्सिस, ठीक है ना। हमेशा जो बड़ा होता है उसी को मेजर माना जाता है और बाकी को माना जाता है माइनर, ठीक है, क्लियर हो गया सभी को। तो ये था हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री, हमने एक्सिस ऑफ सिमेट्री को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, इतनी चीजें हमने पूरी की पूरी कंप्लीट कर ली है। आप सभी ने इन सारे चीजों को कंप्लीटली कवर कर लिया, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक पढ़ना है हमको, वो पढ़ना है एसिमेट्रिक सेंटर और कायरल सेंटर क्या होते हैं, इसके बारे में मुझे आपको डिटेल में बताना है। और CO2 में AOS है, वहां सी इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि CO2 मॉलिक्यूल देखो बेटा लीनियर होता है, मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ठीक है ना। अब CO2 क्योंकि लीनियर मॉलिक्यूल है ना, लीनियर मॉलिक्यूल है, तो यहां पे आप दो जगह से लगा सकते हो। आप जो लगा रहे हो, मैं बता रहा हूं, आप यहां से लगा रहे हो, बोल रहे हो C2 है, बट बेटा यहां से लगाओ ना, ये सिलेंड्रिकल मॉलिक्यूल है, तो ये तो 0 से 360 पे कहीं ऐसा सिलेंडर हो गया ना, ऐसे इसको ऐसे घुमाते रहो, ऐसे घुमाते रहो, वो तो कितना पे भी घूमेगा, 0 से 360 इन्फाइनाइट तक जाएगा ना, तो वहां पे C2 केवल कहना उचित नहीं होगा, ठीक है। तो यहां CO2 मॉलिक्यूल में आप यहां से रिलेट करते हो, ये लीनियर मॉलिक्यूल है, सिलेंड्रिकल मॉलिक्यूल, और सिलेंड्रिकल मॉलिक्यूल में सी इन्फिनिटी हो जाता है, जो सिलेंड्रिकल मॉलिक्यूल है वो क्या होगा, सी इन्फिनिटी हो जाता है। वहां जीरो पे भी आइडेंटिकल आएगा,
50 पे भी आइडेंटिकल आएगा, 60 पे भी वही आएगा, 10 पे भी आएगा, 50 पे भी, 360 पे भी, सब पे सेम आएगा, तो वो क्या हो जाएगा आपका इन्फिनिटी कहलाएगा, वो उसको सी इन्फिनिटी कहा जाता है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अब इतनी बातें आपको बस यहीं तक पढ़नी है, सिमेट्री में इतना ही पढ़ना है। ठीक है, सो हम लोगों ने सिमेट्री कर लिया कंप्लीट। अब हम लोग को जो आगे बढ़ना है वो एसिमेट्रिक सेंटर पे बढ़ना है, तो आपको कुछ चीज़ें बतानी है मुझे। ठीक है, चलो